નદીના પટમાં ઝૂંપડીમાં રહેતી એક 3 વર્ષની બાળકીને ગત મધ્યરાત્રે 35 વર્ષીય રિક્ષા ચાલકે ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી ઉપાડી જઈ જીંજુડાની સીમામાં દુષ્કર્મ આચરી બાળકીને છોડી દીધી હતી। પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ પોતાની કુન્હેથી સાવરકુંડલાના રેલવે સ્ટેશન પાસે રહેતા રિક્ષા ચાલક યુવાનને આ કેસમાં ઝડપી લીધો હતો। તેની રિક્ષામાંથી લોહી અને વીર્યના નમૂના પણ મળી આવ્યા હતા। અમરેલીમાં માત્ર 3 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મની આ હિચકારી ઘટના સાવરકુંડલામાં ગઈ મધરાત્રે બનવા પામી હતી। અહીં મરીનગર વિસ્તારમાં જનતા બાગ પાછળ નદીમાં ઝૂંપડું બનાવીને રહેતા એક પરિવારની 3 વર્ષની બાળકી ઝૂંપડામાં સૂતી હતી ત્યારે સાવરકુંડલા રેલવે સ્ટેશન પાસે રહેતો રાજુ ઉર્ફે કડી નારાયણ માંગોડોરિયા નામનો યુવક તેને પોતાની રિક્ષામાં ઉપાડી ગયો હતો। આ યુવક તેને જેસર રોડ ઉપર અવાવરૂ જગ્યાએ લઈ ગયો હતો અને રિક્ષામાં જ તેના ઉપર દુષ્કર્મ આચરી મોં કાળું કર્યું હતું અને બાદમાં બાળકીને રેઢી મૂકી પરત સાવરકુંડલા આવી ગયો હતો। વહેલી સવારે જીંજુડામાં આ બાળકી રડતી મળતા પોલીસને જાણ કરાઈ હતી અને પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં તેના ઉપર દુષ્કર્મ થયાનું ખુલ્યું હતું। જિલ્લા પોલીસ વડા નિર્લિપ્ત રાય અને ASP પ્રેમ સુખ ડેલાના માર્ગદર્શન મુજબ ACB SOG અને સાવરકુંડલાની પોલીસ ટુકડીઓએ જુદી જુદી દિશામાં તપાસ શરૂ કરી હતી। આરોપીઓના મળેલા વર્ણનના આધારે રાજુલા માંગરોડિયાને ઉપાડી લઈ પૂછપરછ કરતા તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલ્યો હતો। તેની રિક્ષા પણ પોલીસે કબજે લીધી હતી જેમાંથી લોહી અને વીર્યના ડાઘ મળી આવ્યા હતા। આ શખ્સને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઝૂંપડપટ્ટીની આસપાસ બેઠક હતી। ગઈ રાત્રે મોકો મળતા જ તેણે બાળકીને ઉપાડી જઈ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। મદદનીશ પોલીસ અધિકારી પ્રેમસુખ ડેલુએ જણાવ્યું હતું કે આ શખ્સનો ભૂતકાળ પણ ગુનાઓથી ખરદાયેલો છે। જે 3 વર્ષની બાળકી ઉપર દુષ્કર્મ આચર્યું તે પરિવારના એક 5 વર્ષના બાળકે આરોપીને જોયો હોય તેણે આ શખ્સ બાઠીઓ અને થોડો જાડો અને દાઢીવાળો તેમજ ખભે લાલ ગમછો નાખેલો હોવાનું વર્ણન કરતા પોલીસે શહેરમાંથી આવા શંકાસ્પદ લોકો એકઠા કર્યા હતા જેમાંથી રાજુ માંગોડીયાનું સીધું કનેક્શન ખુલ્યું હતું। सावरकुंडला टाउन जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जो एक गुनाह दर्ज हुआ था जिसमें 3 साल की एक बच्ची थी जिसका है वो रेप हुआ था और उस घटना के ऊपर तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अत्यधिक गंभीर और संवेदनशील ये घटना हुई थी और सबसे पहले मैं वो माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री निर्मित राय से और हमारी LCB की टीम जिसके है वो इंचार्ज करमता और SOG की टीम जिसके इंचार्ज है जडेजा हमारी जो सावरकुंडला तालुका का जो पुलिस स्टेशन है उसके इंचार्ज जो PI है SHO वसावा इन सबको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अत्यधिक गंभीर जो गुनाह था उसका है वो बहुत ही कम समय के अंदर है वो डिटेक्ट किया और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुद्दे की जो गंभीरता को देखते हुए 21 तारीख को जो ये घटना घटित हुई थी इसके संबंध में कल है वो 5 टीमों का गठन किया गया था और टीमों ने उन्हें की सीरियसनेस को देखते हुए है वो इसको डिटेक्ट किया है। तो ये इसकी जो मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी है देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सावरकुंडला टाउन है सावरकुंडला टाउन का जो मणिनगर विस्तार है मणिनगर विस्तार के अंदर एक झोंपड़पट्टी झोंपड़पट्टी के अंदर एक 3 साल की बच्ची थी जिसमें 21 तारीख की रात को है वो 12 बजे से 3 बजे के बीच में एक बच्ची के द्वारा एक जो बालिका थी 3 साल की उसको वो अपने माता पिता के साथ है और सोई हुई थी उसको रात्रि के समय में उठा के ले जाते हैं लोग के फिर उसके साथ है वो दुष्कर्म किया जाता है। तो उसके संबंध में पुलिस स्टेशन के अंदर IPC सेक्शन 363 366 और 376 AB और 377 और उसके बाद में पोक्सो 4, 6, 8, 10 के तहत वो पुलिस स्टेशन के अंदर गुनाह दर्ज होता है और ये गुनाह अनडिटेक्ट था। तो इस गुनाह के अंदर पुलिस के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से है वो वैज्ञानिक पद्धति से इसका है वो इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही इसके अंदर वो ये रही कि सभी टीमों के द्वारा सबसे पहले पूरे एरिया के जितने भी CCTV फुटेज थे जो जो संभावित मार्ग हो सकते थे उन सबको खंगाला गया। उसके बाद में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बच्ची है वो छोटी होने की वजह से जो आरोपी है उसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा है वो धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्ची का जो भाई था लगभग 4 या 5 साल की उम्र का बच्चा है उस बच्चे के द्वारा
पुलिस को बड़ी है वो सहायता दी गई और माननीय SP सर ने और हमारी जो पूरी पुलिस की टीम है उनके द्वारा उस बच्चे को वैज्ञानिक रीति से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने जो आरोपी था उसका हुलिया बताया। रात्रि के समय वो बच्ची के जस्ट पास में सोया हुआ था। बच्चे को जिस व्यक्ति ने बताया उसने किस प्रकार के कपड़े पहन रखे थे, उसने किस प्रकार का मास्क लगा रखा था, कौन से कलर का मास्क लगा रखा था, उसके दाढ़ी थी या तो उसके आधार पर उसने जो हुलिया बताया उस हुलिये के आधार पर शहर के अंदर जितने भी संदिग्ध लोग हो सकते थे उन सबको हमने है वो यहाँ पर इकट्ठा किया और उनके पास कौन कौन से वाहन हो सकते थे वो सभी वाहन हम लाए। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो FSL टीम है, FSL टीम जो हमारे FSL अधिकारी है इटालिया, उनके द्वारा सभी वाहनों की सघन जब चेकिंग की गई तो जो आरोपी था उस आरोपी का जो टैक्सी थी उस टैक्सी के अंदर है हमें सीमन और जो ब्लड के हैं वो डब्बे मिले। तो और उसके बाद में जो आरोपी जिसकी हमने पूछताछ की सघन पूछताछ, उसके बाद में उसके जो कपड़े थे उन कपड़ों के ऊपर भी सीमन और जो उनके ब्लड के और विभिन्न प्रकार के निशान मिले। तो उसके आधार पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने वो गुनाह को स्वीकार किया। तो जो ये आरोपी है, आरोपी का नाम राजू उर्फ राजू कड़ी नारायण भाई मांगरोलिया, इसकी उम्र लगभग 35 साल है और ये अमरेली शहर के अंदर यहाँ पर सावरकुंडा जो शहर है इसके अंदर इसी तरह से ये घूमता रहता है। और सामान्यतः पिछले 4-5 दिन से ये जो झोंपड़पट्टी थी इस झोंपड़पट्टी के आसपास ये है वो इधर उधर चक्कर निकाल रहा था। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है कि इसका जो मुख्य आरोपी जो राजू उर्फ राजू कड़ी नारायण भाई मांगरोलिया उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके और एक अत्यधिक गंभीर और संवेदनशील जो गुनाह था उसको पुलिस ने वो डिटेक्ट किया है। तो मैं पूरी हमारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत है वो बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि रात दिन मेहनत करके और माननीय SP सर के निर्देशन में और DYSP है वो चौधरी साहब और हम सब ने मिलकर वो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण गुनाह का डिटेक्शन किया है। और विशेष रूप से हमारे जो कॉन्स्टेबल हैं और हमारे जो PI PSI है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रात दिन एक करके एक अत्यधिक गंभीर जो है गुनाह का वो सॉल्यूशन किया है और बहुत ही कम समय के अंदर एक जो बालिका है जिसके ऊपर इस तरह से दुष्कर्म हुआ उसको कहाँ उठा के ले गया था। ये जो आरोपी था उस आरोपी रात को लगभग 12 से 3 बजे के बीच में है वो टैक्सी के अंदर डालकर जेत सर रोड के ऊपर है वो लेके गया था। अभी हम उसे पूछताछ कर रहे हैं तो एग्जैक्ट जिस जगह पर वो लेके गया था वो क्राइम सीन है वो। और कोई जानकारी बताइए। अभी इसको है वो आरोपी को अटक किया है और अटक करने के बाद में अब ये इससे जितने भी जो जगह किस जगह पे लेके गया इसने क्या क्या चीज़ें की हैं वो सब हमको एविडेंस है। आरोपी को गांव का बुनाई दिखते आरोपी के बारे में इसका जो इतिहास रहा है बुनाई इतिहास रहा है इसके ऊपर है वो कई जो प्रोहिबिशन के जो डीडे लाके हैं और उसके बाद में प्रोहिबिशन के अंदर कई बार दारू बेचने के तो ऐसे कई पुलिस स्टेशन के अंदर उनके ऊपर है।